प्रतिदिन जितना माला जितनी हनुमान चालीसा या कुछ करने का नियम है, अगर उसी दिन आपने कोई ऐसा बड़ा पारमार्थिक काम कर लिया कि फिर अब स्थिति भी नहीं है शरीर के भी, शरीर समय के भी के शरीर की कि वो अब कर सको, और ऐसे में अगर उस दिन थोड़ा सूक्ष्म कर लिया क्योंकि कुछ श्रेष्ठ हो गया था तो थोड़ा उस दिन सूक्ष्म हो गया, ठीक है। रास्ते में है आपने हवन न किया उसके बदले में पाठ हो गया है, इस तरह हो सकता, लेकिन संयम में तो कुछ आगे पीछे नहीं चलता। हम जो नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते, जो नहीं पी सकते वो नहीं पी सकते, फिर ये नहीं सबके साथ साथ हो गया, ये नहीं चलता, संयम में कोई समझौता नहीं। इसीलिए तो लोग हनुमान जी से डरते हैं क्योंकि वहां समझौता वाली बात नहीं है कुछ। संयम अनिवार्य। और नंदी महाराज गौ माता की संतान है, पारमार्थिक जीवन का संकल्प हो, नंदी महाराज जैसी स्थिरता हो, क्योंकि तनिक भी जो लुटा नहीं सकता वो कभी शिवत्व तक नहीं जा सकता। और आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे कि वो घंटों तक पूजा पाठ कर लेंगे, आप बोलो गंगा जी में नर्मदा जी में 3 डुबकी लगाओगे वो 300 लगा लेंगे, डुबकी लगा लेंगे 100-150 डुबकी लगा लेंगे, 5 माला के लिए आपने बोला होगा तो रोज 50-50 माला जप लेंगे, रोज 100-100 माला जप लेंगे, हर महीने में 1-1 ग्रंथ का पाठ कर लेंगे, और बोलेंगे हमने राम कथा भी पढ़ ली, हमने भागवत का भी पाठ कर लिया, हमने शिव पुराण का पाठ कर लिया, गीता तो हमने बहुत बार पढ़ ली, ये सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को कुछ देने की बात आएगी तो वहाँ उसकी हिम्मत नहीं होती, रोटी खिला नहीं सकते किसी को, मौके पर किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, मानसिक रूप से गरीब, आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति परोपकार कर सकता है लेकिन मानसिक रूप से गरीब व्यक्ति कभी परोपकार नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार किसी की सहायता नहीं कर सकता। और वैसे देखा जाए तो जिंदगी का अधिकांश हिस्सा उसमें गया कि सारे ग्रंथों को पढ़ लिया, सारे तीर्थों में हुआ है, बहुत सारी मालाएं जप ली, बहुत घंटों तक अनुष्ठान पूजा कर लिया, ये सब कुछ हुआ लेकिन अतिथि का सत्कार नहीं हो पाया, भूखे को रोटी नहीं खिला सका, जरूरतमंद की मदद नहीं कर सका। तो परमार्थ बुद्धि के अभाव में कोई शिवत्व तक नहीं जा सकता, आप राज राजेश्वर की शिवलिंग तक जा सकते हो लेकिन महादेव तक नहीं जा सकते, शिवत्व तक नहीं जा सकते, शिव तत्व तक नहीं जा सकते। शिव तत्व तक पहुंच गए उसके बाद तो उसके समान तो कोई है नहीं। सदा शिव शैव दिगंबर।
पहुंच गया, माला माल हो गया वो तो, जो पहुंच गया।